1980 से 1990 के दशक के जाने माने एक्टर सुमित सहगल एक वक्त बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेताओं की सूची में शुमार थे और आपने अक्सर काली तेरी चोटी परांदा तेरा लालनी गाना को शादी या किसी समारोह में बजता सुना होगा और यह आज भी काफी लोकप्रिय है। लेकिन आप में से बहुत कम लोग यह जानते होंगे कि यह गाना सुमित पर ही फिल्माया गया था और उस वक्त भी सुमित के इस गाने ने धमाल मचा दिया था। भले ही आज सुमित सहगल बॉलीवुड से दूर हों, लेकिन एक वक्त उन्होंने भी अपनी फिल्मों से बॉलीवुड पर राज किया है। 1987 में फिल्म इंसानियत के दुश्मन से सुमित सहगल ने बॉलीवुड में कदम रखा था। इस फिल्म में उनके साथ संजय दत्त, गोविंदा और मिथुन चक्रवर्ती जैसे बड़े अभिनेता शामिल थे, लेकिन सुमित ने अपने दमदार अभिनय से सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब रहे, जिसके सुमित ने कई और फिल्मों में काम किया। ईमानदार, परम धर्म, लश्कर, बवार आने तक, पति पत्नी और तवायत और गुनाह जैसी फिल्मों में दमदार अभिनय से उन्होंने दर्शकों का दिल जीत लिया। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब सुमित ने बॉलीवुड से नाता ही तोड़ लिया। उनकी आखिरी दो फिल्में साजन की बाहों में और सौदा थी। इसके पीछे क्या वजह यह हम नहीं जानते। सुमित ने दो शादियां की हैं। सुमित की पहली पत्नी शाहीन बानू हैं, जो पेशे से एक अभिनेत्री हैं और उन्होंने फिल्म आई मिलन की रात से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में अविनाश वधावन उनके सह कलाकार थे। सुमित और शाहीन ने 1990 में शादी कर ली थी। शादी 13 साल चली, जिसके बाद 2003 में दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे। इन दोनों के एक बेटी सायशा सहगल भी है। सायशा ने अजय देवगन की फिल्म शिवाय से अपने फिल्मी करियर का आगाज किया था। हम आपको एक बात और बता दें, शाहीन दिलीप कुमार की पत्नी और गुजर जमाने की एक्ट्रेस सायरा बानो की भतीजी भी हैं। इसके बाद सुमित ने फराहनाज से शादी कर ली थी। सुमित की तरह फराह की भी यह दूसरी शादी थी। फराह ने सुमित से पहले दारा सिंह के बेटे इंदू दारा सिंह से शादी की थी। इंदू से तलाक के बाद फराह ने सुमति से शादी की थी। फराहनाज तब्बू की बड़ी बहन है। फराह और तब्बू एक्ट्रेस शबाना आजमी की रिश्ते में भतीजी लगती हैं।